मुगलों का जो सवाल है उसमें बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन जो मेरा नैरेटिव है, जो मैं बार बार अपने लेक्चर्स में जिक्र किया है, मेरी बुक्स में भी जिक्र हुआ है, एक तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था उसका फेलियर था, क्योंकि मुगल जो सिस्टम है मुगल एम्पायर का, वो एम्परर की ज़ात है जिन फोकस कर रहा था, ठीक है। जो ही एम्परर वीक हुआ, इट मीन्स न्यूक्लियस वीक हुआ, जो रोटेट करने वाले उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे वीक हुए, वो स्कैटर्ड हुए उसके बाद। तो क्या हुआ, एम्परर की जो पर्सनैलिटी थी वो इम्पोर्टेंट थी, वो वीक हुई है। वो कैसे वीक हुई है, औरंगज़ेब की 1700 साल में डेथ होती है, औरंगज़ेब के मरते ही उसका बेटा बहादुर शाह बादशाह बनता है। तो उसको उसके बाद में वसीयत की थी कि सैयद ब्रदर्स को की पोस्ट या की पोजिशन नहीं देंगे। एक उसने अपने वाले साहब की बात नहीं मानी, जो अब सदियाँ भुगत रही हैं उसके इस फैसले में। 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई 1712 में, उसे शाह बेखबर भी कहते हैं तारीख। लेकिन उसके बाद नुकसान हुआ है, जो असल नुकसान हुआ है, कि इन सैयद ब्रदर्स ने बादशाह घर का या किंग मेकर्स का रोल प्ले किया। जो किंग मेकर्स का जो रोल है ये हमेशा नुकसानदेह होता है। उन्होंने अपने आप को यानी उसमें कठपुतली ब्रांड प्रोड्यूस किए जो उनकी बात माने, तमाम अहल शहजादों को, तमाम अहल लोगों को या तो कत्ल करवा दिया या क्या करवा दिया। उससे क्या हुआ, ना अहल लोगों को ना लायक लोगों को उसे तख्त पे बैठाया, और बाद में जिनताई बीमार थे तो 3-4 माह में डेथ हो गई। और सोचे मुगलिया तख्त पे ऐसे नलायक जब लोग बैठे, उससे नादिर शाह को हमला करने का मौका मिला 1739 में, उसे ईरान से हमला किया और वो कंधार को, फिर जलालाबाद को, काबुल, पेशावर, फिर लाहौर और फिर दिल्ली पहुँच गया। लेकिन मोहम्मद शाह की एक ही रट थी, हनूज देरी दूरस। जब 1739 में मुगल आर्मी को शिकस्त हुई, तब दुनिया को पता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल सब तब सामने आया, अंग्रेज तब सामने आए, फ्रेंच बाद में सामने आए, मराठे बाद में सामने आए। उन्होंने कहा कि हम भी अपना हिस्सा डालें, और अब मुगल कमज़ोर हो गए, मुसलमान कमज़ोर हो गए, तो हम यहाँ हुकूमत क्यों ना करें, फिर तो हम आए ही थे, इन्हें हम टैक्स देते हैं, बजाय हम टैक्स देने के हम ये सारा पैसा खुद ही क्यों ना कमाएं। तो ये जो एक उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि आपका भरम टूटा और जवाल स्टार्ट हुआ, ये मुगलों के जवाल की अहम तीन असबाब जो हैं, उनमें उनका सैयद ब्रदर्स का रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी बातें सारी बात में